सब्सक्राइब करिए एग्जाम क्रैकर को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी यूजफुल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो मैं विवेक पांडे आप सबको एग्जाम क्रैकर की तरफ से नमस्कार करता हूं। और हमने रस, अलंकार और समास पूरा पढ़ लिया है। मुझे लगा कि समास का आप सबको थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है करने में और परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसके दृष्टिकोण से, तो मैंने सोचा कि इसका एक कंप्लीट एक सार बना दिया जाए, पूरा एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया जाए कि समास से आपको इसके चेहरे से परिचित करा दिया जाए कि इसका चेहरा कैसा है, इसका काम क्या है। और कभी कभी डायरेक्ट जो मैंने टर्म्स लिखे हुए हैं इसी टर्म्स में सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसी टर्मिनोलॉजी में आपसे सवाल भी पूछे गए हैं कई बार, तो मुझे लगा कि इसका एक वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं आप सबके सामने समास का एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ, इसको पूरा जरूर देखिएगा। जिनको अभी तक समास नाम की चिड़िया से बहुत डर लगता था, अब वो डर दूर हो जाएगा और कुछ ही बिंदु में आपको समझ में आ जाएगा कि समास क्या होता है। देखिए, मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि समास क्या है। समास चार प्रकार का होता है। समास के कितने उपभेद हैं? तो समास के 15 उपभेद हैं। दो मुख्य शब्दों के मेल से समास बनता है। दो मुख्य शब्द, मुख्य शब्द मतलब कैसे शब्द? सार्थक शब्द। दो ऐसे शब्द आपके सामने आ जाए जिनकी सार्थकता हो, निरर्थक शब्द ना हो, अर्थ रखते हो अपना, अर्थहीन ना हो, ठीक है, सारहीन शब्द ना हो, तो फिर वो क्या बनेंगे? समास का रूप में परिणित हो जाएंगे। अगर दो शब्द ऐसे शब्द जिनका अर्थ निकलता हो, अर्थहीन ना हो, दो अर्थ सार शब्दों को लेकर के अर्थ देने वाले शब्दों को जोड़ दिया जाए तो समास का निर्माण कर देते हैं। तो दो मुख्य शब्दों के मेल से समास बनता है। मैंने आपको बताया कि हिंदी में समास चार प्रकार के होते हैं और संस्कृत में समास छह प्रकार के होते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, आप सब लोग छह लिख के चले आते हैं, गलत है, समास चार प्रकार के होते हैं। संस्कृत में समास छह प्रकार के होते हैं। अब आप कहेंगे सर जो कर्मधारय और द्विगु है वो कहाँ गया? तो मैंने आपको इसके पहले वीडियोस में समास में पढ़ा दिया है कि जो तत्पुरुष समास होता है उसके कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कारक चिन्हों के आधार पर उसके कितने भेद होते हैं? तो कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं 6 के बाद ये दो जुड़ जाते हैं, कर्मधारय और द्विगु। तो ये पूरे आपके हो गए तत्पुरुष समास के 8 भेद। तो तत्पुरुष समास का भेद है कर्मधारय और द्विगु, लेकिन जब यही आप संस्कृत में पढ़ते हैं समास को तो वहां पर कर्मधारय और द्विगु के अलग अलग भेद पाए जाते हैं, इसी कारण उसको अलग से मान लिया जाता है, उसकी मान्यता अलग से दी गई है और समासों की संख्या 6 मान ली गई है। वास्तव में हिंदी व्याकरण समास की संख्या 4 ही मानती है, 6 नहीं, मानने से इनकार करती है। देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें और समझा दूं। इसके पहले मैंने समास में कुछ शब्दों का प्रयोग किया था जो शब्द बड़े कठिन लग रहे थे आप लोगों को, जैसे पूर्व पद क्या होता है, उत्तरखंड क्या है, पूर्व खंड क्या है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो समझिए, जो घनश्याम लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए घनश्याम, श्याम कैसा? घन, ठीक है। तो घनश्याम, तो घनश्याम में जो घन है ये क्या है? आपका पूर्व खंड है, अर्थात पहला पद है, पहला पद ही पूर्व खंड कहलाता है। और जो श्याम है यही आपका उत्तरखंड है, उत्तरखंड अर्थात अंतखंड, अर्थात अंतिम पद। तो ये जो आपका अंतिम पद है ये उत्तरखंड है, अर्थात ये हो गया श्याम। और देखिए, घन और श्याम को मिला करके समास का हम लोग समास में परिणित हो गया ये पूरा। तो घनश्याम क्या है? दो मुख्य शब्दों को मेल से समास बनता है। तो ये दोनों मुख्य शब्द है ना, घन और श्याम, इनका अर्थ निकल रहा है, तो इन दोनों को मिला करके हमने क्या बना लिया? समास बना लिया। हमने बताया था समास चार प्रकार के होते हैं। तो समास चार प्रकार के होते हैं, तो देखिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो इन चारों समासों की अगर बात करें, आपका अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, तो जिस समास का पूर्व खंड प्रधान हो, अर्थात पहला पद प्रधान हो, पहला पद अव्यय हो, मैंने आपको बताया था, आप वीडियोस ध्यान से देखिएगा जाकर के, समास का पहला भाग 1, उसमें मैंने आपको बताया था पहला पद अव्यय हो अर्थात पहला पद प्रधान हो, तो पहले पद की प्रधानता आपको अव्ययी भाव समास की ओर खींचती हुई दिखाई पड़ेगी। तो अगर प्रथम खंड उसका प्रधान हो, पूर्व खंड प्रधान हो, तो वो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास के रूप में परिणत हो जाएगा। अगर उसका उत्तरखंड प्रधान है, तो उत्तरखंड प्रधान होना इस बात का सबूत है कि वह तत्पुरुष समास है। और मैंने आपको बताया था कि तत्पुरुष समास 8 प्रकार के होते हैं और तत्पुरुष समास कारक चिन्हों के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं और वास्तव में 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें कर्मधारय और द्विगु भी आपका आ जाता है। यही तत्पुरुष समास के मुख्य रूपों के रूप में गिने जाते हैं। तो तत्पुरुष समास की आप परिभाषा कैसे देंगे? जिस समास का उत्तरखंड प्रधान हो, अगर उत्तरखंड प्रधान है तो तत्पुरुष समास होगा, अगर पूर्वखंड प्रधान है तो अव्ययी भाव समास। सीधा सीधा समझिए,
अगर पहला पद प्रधान तो आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा पद प्रधान तो तत्पुरुष समास। अगर दोनों खंड प्रधान हो जाएं, दोनों खंड प्रधान हो जाएं तो द्वंद्व समास की ओर इशारा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर प्रथम पद प्रधान हो जाए तो अव्ययी भाव समास, उत्तर खंड प्रधान हो जाए अर्थात अंत पद या द्वितीय खंड प्रधान हो जाए तो आपका तत्पुरुष समास, और अगर दोनों खंड प्रधान हो जाते हैं तो द्वंद्व समास हो जाता है। और अगर सबसे अंत में बहुत महत्वपूर्ण है, जिस समास का कोई पद प्रधान ना हो, अगर किसी भी पद की प्रधानता ना हो अर्थात वो पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर, तीसरी संज्ञा या तीसरे विशेषण की ओर इशारा करते हुए दिखाई पड़े तो आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है। दो और महत्वपूर्ण फैक्ट ले जाइए आप, जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है अर्थात वह खंड जिस पर मुख्य बल पड़ा उसको हम क्या कहेंगे, प्रधान खंड कहेंगे। परीक्षा में सीधा सीधा पूछा गया है, यही स्टेटमेंट था, जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है कहलाता है तो उसको हम लोग प्रधान खंड कहते हैं, समास के अंतर्गत आने वाला है, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला कि ये समास के अंतर्गत आता है। और जिस खंड पर अर्थ का बल नहीं पड़ता है उसको हम लोग गौण खंड कहते हैं। तो जिस खंड पर मुख्य, जिसके खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ा प्रधान खंड कह दिया गया, और जिस पर मुख्य बल नहीं पड़ा उसको गौण खंड कह दिया गया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा समास पूरी तरह से, कि अगर कुछ ही शब्दों में हमको समास को परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे। मैंने आपको बता दिया, अगर पूर्व खंड प्रधान हो तो अव्ययी भाव समास, उत्तर खंड प्रधान तो तत्पुरुष समास, और दोनों खंड प्रधान तो द्वंद समास, और कोई पद प्रधान ना हो तो बहुव्रीहि समास। फिर से समझ लीजिए, पहला पद प्रधान तो फिर अव्ययी भाव समास, दूसरा पद प्रधान तो तत्पुरुष समास, अगर दोनों पदों की प्रधानता हो तो द्वंद समास, अगर दोनों में से किसी भी पद की प्रधानता ना हो, दोनों मिलकर के किसी तीसरे अर्थ की ओर, तीसरे संज्ञा की ओर इशारा कर रहे हों तो वहां पर बहुव्रीहि समास आ जाता है। तो इस प्रकार आप समास को पूरी तरह से समझ चुके हैं। अब आप इसके बाद मेरा अगला वीडियो वर्णमाला का पढ़ेंगे, और इसके बाद आप इंतज़ार करिए वर्णमाला का, उसका वीडियोज़ आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक आप समास पढ़िए और इंतज़ार करिए।